नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय चिकित्सा पद्धति में कोरोना वायरस के विरुद्ध कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। इसे केवल बचाव के उपाय द्वारा ही सीमित किया जा सकता है। अगर आप ये कोरोना रोधी वैक्सीन लगवा भी लें तब भी क्या होगा, आपके अंदर सिर्फ प्रतिरोधक क्षमता ही बढ़ेगी और कोई भी वैक्सीन शत प्रतिशत कारगर नहीं है। अगर आप इस वैक्सीन के दोनों डोज भी ले लेते हैं तो आपको गंभीर कोरोना और मृत्यु से 98% तक बचने की संभावना हो जाती है। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, इस वजह से इस वैक्सीन द्वारा गंभीर रोग और मृत्यु से बचाव होना भी एक वरदान से कम नहीं। परंतु अब हमारे देश में एक आशा की नई सुनहरी किरण उठ रही है और ये सुनहरी किरण है एक दवा के रूप में जो कि कोरोना वायरस पर सीधा असर करती है। इस दवा का नाम है 2DG यानी 2-डॉक्सी-डी-ग्लूकोज। ये दवा खासतौर पर उन लोगों के लिए है जिनके फेफड़े कोरोना की वजह से कमजोर हो गए हैं और साथ साथ जो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। तो जिन लोगों के फेफड़े कमजोर है और जो लोग ऑक्सीजन की कमी से का जूझ रही हैं उनको ये काफी हद तक मदद करेगी। भारत के औसत महानियंत्रक यानी DCGI ने देश में निर्मित इस कोविड रोधी दवा के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। मुंह के जरिए ली जाने वाली इस दवा को कोरोना वायरस के माध्यम से गंभीर लक्षण मरीजों के इलाज में इस्तेमाल करने की अनुमति सहायक पद्धति के रूप में दी गई है। इस दवा को ऐसे समय मंजूरी मिली है जब भारत कोरोना वायरस की महामारी की दूसरी लहर से घिरा है और तीसरी लहर की भी एक संभावना बनती जा रही है। देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भारी दबाव है, तो समझते हैं इस दवा को किसने बनाया और ये दवा किस तरीके से काम करेगी। इस दवा को DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एलाइड इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस जिसको हम इनमास भी कहते हैं, उसने हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के साथ मिलकर इसका निर्माण किया। इस दवा का नाम है 2G, इसका पूरा नाम है 2-डी-ऑक्सी-डी-ग्लूकोज। सामान्य रूप से ये मॉलिक्यूल और ग्लूकोज के अनुरूप होने वजह से इसको देश में ही हम भारी मात्रा में तैयार कर सकते हैं। इस दवा को बनाने का श्रेय इनमास के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा को जाता है। इनमास, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये तिमारपुर नई दिल्ली में स्थित है और इसका गठन 1961 में हुआ था। डॉक्टर मिश्रा बलिया उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और इन्होंने गोरखपुर एवं बनारस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की हुई है, तो किसी भी भारतीय के द्वारा यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2G दवा पाउडर के रूप में पैकेट में आती है, बस इसे घोल के पानी में पी लेना है। जैसे आपको जब बदहजमी होती है तो इनो डालते हैं और पानी में पी के घोल के पी लेते हैं, उसी तरह 2DG को भी पिया जा सकता है। इस दवा की कीमत ऑलमोस्ट 500 से 600 रुपए के बीच में होनी चाहिए, यानी वैक्सीन से सस्ती और सीधा कोरोना वायरस के ऊपर असर करती है। तो आइए समझते हैं कि ये दवा कोरोना वायरस के ऊपर असर कैसे करती है। इस दवा का मॉलिक्यूल तेजी से विभाजित होने वाली सेल्स को ऑक्सीजन से वंचित कर देता है। मेडिसिन साइंस में ऐसा कोई नया मेडिसिन नहीं है। इससे पहले कैंसर के मरीजों में सीधे तौर पर या रेडियोथेरेपी के सहायक के रूप में पहले से ही इस तरीके की चीजें प्रयुक्त की जा चुकी हैं। कैंसर की कोशिकाएं बहुत तेजी से विभक्त होती हैं, तेजी से विभाजित होने वाली कोशिकाओं की ऑक्सीजन की मांग भी अधिक होती है। इसी प्रकार सेम तरीके से कोरोना वायरस से संक्रमित कोशिकाओं की ऑक्सीजन मांग भी अधिक होती है। ऊर्जा के लिए कोरोना वायरस ग्लूकोज का प्रयोग करता है, जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में उपलब्ध होता है। 2DG दवा क्या करती है, 2DG दवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लगभग ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के तरीके से ही है और ये 2DG ग्लूकोज के स्थान पर वायरस के साथ अटैच होके वायरस को ऑक्सीजन से वंचित कर देता है। यानी जो कोरोना का वायरस जो अपनी वृद्धि के लिए जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो ऑक्सीजन उसको ये 2DG दवा का मॉलिक्यूल नहीं लेने देता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेने का काम कोरोना वायरस वो ग्लूकोज के माध्यम से कर रहा है। इस तरीके से ऑक्सीजन ना मिलने से ये वायरस मर जाता है। अगर बात करें DRDO ने इस दवा पर कब काम करना शुरू किया, तो 2020 में अप्रैल में जब महामारी की पहली लहर आ रही थी तो उसी समय DRDO और इनमास के वैज्ञानिकों ने हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ मिलकर इसको
प्रयोगशाला में निर्मित किया और पाया ये अणु SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर है और वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोकते हैं। इसका अलग अलग स्टेजेस में ट्रायल हुआ। जो पहला ट्रायल हुआ वो मई 2020 में हुआ, बाद में इसका मई से अक्टूबर 2020 के बीच में सेकेंड फेज का ट्रायल हुआ और बाद में इसमें जो ट्रायल तीसरे फेज का हुआ वो दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच में हुआ और इसके बाद इस दवा को आपातकालीन दवा के रूप में मंजूरी मिल गई। इस दवा से जो खासतौर पर गंभीर मरीज भी हैं या अधिक उम्र के मरीज भी हैं उनके ऊपर भी असर देखने को मिल रहा, अपेक्षाकृत कम समय में वो सही हो जा रहे। अगर डॉक्टर ब्लूमबर्ग जो कि अमेरिकन फिजिशियन थे उनको 1976 में लीवर कैंसर के लिए एक वैक्सीन विकसित जो उन्होंने की थी हेपेटाइटिस बी, अगर उसके लिए नोबेल पुरस्कार मिल सकता है तो हमारे DRDO और डॉक्टर मिश्रा को इस जान बचाने के लिए जो दवा उन्होंने खोजी तो एक पुरस्कार क्यों नहीं बनता। तो आइए उम्मीद करते हैं कि ये दवा एक गेम चेंजर साबित होगी और डॉक्टर मिश्रा और DRDO इस उपलब्धि के पात्र हैं। इस उपलब्धि के लिए उनको आपका नोबेल पुरस्कार भी मिले वो भी कम रहेगा।